भारतीय सांसद राजेश रंजन पप्पू यादव जी को न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया है। उनके विरुद्ध जो भी मामला था उसमें अभियोजन ने उक्त साक्ष्य को प्रमाणित नहीं किया है, इसलिए उनको रिहा कर दिया गया है। क्या माना जाए कि कोर्ट से बिल्कुल बरी कर दिया गया है, रिहा किया है, दो अंतर है? जी हाँ, रिहा कर दिया गया है। इस मामले में बिल्कुल रिहा कर दिया गया। कब तक जेल से बाहर होंगे पप्पू यादव? संभावना है कि आज शाम तक वो बाहर। सर, रिहाई की गई है? रिहाई की मुझे समझ में नहीं आया, सरकार हमें 5 महीना क्यों टॉर्चर किया? ये करोड़ों जनता का आशीर्वाद, तो इतने जानता हूँ कि सत्य जीतता है। जितना परेशान टॉर्चर, कुछ न्याय व्यवस्था आज भी जिंदा है जिसके चलते लोकतंत्र और संविधान बचा हुआ, अन्यथा मेरे जैसे लोगों को लड़ने वालों के इस देश में कल्याण नहीं है। कहीं पर गाड़ी चढ़ा के मार दो, कहीं पर गोली से मार दो किसानों को, जहां मन आए वहां मार दो, और किसी को एक रूम में कैद करके मार दो, जब मन आए हरियाणा के बॉर्डर पर मार दो, जब मन आए उत्तर प्रदेश में मार दो। डेमोक्रेसी तो समाप्त हो चुकी, कोई बोलने वाला नहीं। सत्ता पक्ष और विपक्ष कंप्लीट कोलैप्स कर चुका, देश की स्थिति बहुत बुरी है, आपातकाल की है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, सच्चाई की जीत है, जनता के आशीर्वाद से न्याय व्यवस्था ने जो न्याय दिया, मैं भगवान की तरह उनका स्मरण करता हूं। सत्य कभी परेशान नहीं होता। एक ऐसे केस में मुझे 5 महीना रखा गया जिसमें आम आदमी को एक दिन नहीं रखा जा सकता। बस इन्हें अपनी गलती को छुपाने के लिए पप्पू यादव को मार देना है, इतना ही करना है। कोई विपक्ष है नहीं, आवाज देना नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगा, जो घटना उत्तर प्रदेश में घटी है, ये लड़ाई आर पार होगी, इसको ख्याल रखना। धक्का नहीं दिए, धक्का कहे पन्ने हटेगा कि हम सब करो सब आगे चलिए, आगे चलिए। रास्ता बना लिया, सौ दिन लगेंगे। रास्ता बना लिया। भैया अरे भैया, यही पे है। चलो चलो चले 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 चलो नहीं आ रहा है, आप लोग मोबाइल वाला धक्का मत दो।